अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शकीला ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकीला मैथ एकेडमी। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटिव इन्वर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस के एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस किसको कहते हैं। वैसे तो हमें पता है कि एडिटिव जो रियल नंबर्स का जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो इसी तरह मैट्रिसेस में भी सेम चीज़ ही अप्लाई होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी प्लस ए, देन मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे जो बी नज़र आ रहा है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स है, ठीक है। फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड ज़ीरो मैट्रिक्स ओ ऑफ सेम ऑर्डर, ओ इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम ए का नाम दे लेते हैं, तो उसमें अगर हम एक ज़ीरो मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का ऐड करते हैं तो हमारे पास वही मैट्रिक्स बच जाता है जो कि जिसके साथ हमने उसको ऐड किया था, ठीक है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमें समझ आ जाएगी इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसकी ये एंट्रीज़ हैं 2 3 5 5, ठीक है। सपोज़ कर लेते हैं कि इसकी ये एंट्रीज़ हैं, ये मैट्रिक्स है, और ये मैंने 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। इसके साथ जो हमने ऐड करना है मैट्रिक्स वो भी हमेशा 2 बाई 2 ऑर्डर का ही होगा, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स यहाँ पे ओ ले लेते हैं, ओ हमेशा ज़ीरो मैट्रिक्स होता है इसलिए इसकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बाय द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हमारे पास अगर मैं ए प्लस ओ करूँ, ठीक, अगर इस मैट्रिक्स के अंदर इस मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो ऐसे लिखते हैं ए प्लस ओ, ठीक है, 5 5 प्लस ओ का मैट्रिक्स आ जाएगा 0 0 0 0। यहाँ पे अगर इसको हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें तो यहाँ पे किस तरह से ऐड करते हैं, एडिशन हमें पता है किस तरह से होती है, 2 प्लस 0, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट जमा हो जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब इसका आंसर क्या आता है, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 0 होता है 5, एंड फिर 5 प्लस 0 होता है 5। तो ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो हमारे पास आंसर आया है ये वही मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स को ऐड किया था, ठीक है। तो ये आ गया ए के इक्वल। अब अगर हम दोबारा से ओ प्लस ए करके देखते हैं, यानी ओ मैट्रिक्स के अंदर ए को ऐड करके देखते हैं, ओ मैट्रिक्स पहले लिखेंगे प्लस, फिर ए का मैट्रिक्स आ जाएगा 2 3 5 5, ठीक है। इसी तरह हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 5 एंड 0 प्लस 5 अगेन। अब हम इसका आंसर लिखते हैं क्या आता है, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, और 0 प्लस 5 अगेन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ जो मैट्रिक्स आया ये वही मैट्रिक्स है जिसका आंसर ये आया था, ठीक है। तो ए प्लस ओ करने से या ओ प्लस ए करने से आंसर हमारा क्या आया है, इज इक्वल टू ए आया है, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स इसका यही कहलाएगा ओ मैट्रिक्स यानी ज़ीरो मैट्रिक्स। जैसे रियल नंबर्स के अंदर एडिशन की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है, इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर भी जो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है सेम ऑर्डर का वो इसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैंने ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स लिया था, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लूँगी तो इसी में ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ओ को 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाऊँगी। जैसे यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का है तो 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 3 रोज़ और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स लूँगी तो यहाँ पे भी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स ही बनाई जाएंगी, ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स अगर लेंगे, उस मैट्रिक्स को उसके अंदर ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा आंसर में वो वही मैट्रिक्स होगा जिस मैट्रिक्स के अंदर हमने उसको ऐड किया था। जैसे डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे बी की जगह पे अगर ओ लगा दिया जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे बी की जगह पे ओ लगा दिया जाए, यहाँ तो कहा हुआ है ना कि बी इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे अगर मैं ओ लगा दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ओ इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि हमने ज़ीरो मैट्रिक्स को ही उसके अंदर ऐड करना होता है, इस वजह से वही इसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, वो हम देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। वो है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन सब सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है। जैसे हम किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं तो उसका हम जो साइन होता है, अगर प्लस होता है तो उसको नेगेटिव कर दिया जाता है, और अगर नेगेटिव होता है तो उसको प्लस करके उसका एडिटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने मैट्रिसेस के अंदर भी ये करना है कि ए एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज़ ऑब्टेंड बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ सिंबल्स ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एंट्रीज ऑफ ए। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है उसमें ये बताया हुआ है कि एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ठीक है, हम 3x3 ऑर्डर का ले लेते हैं, 1, 2, 3, -1, 0, -2, -3, -5, 4, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अभी इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि इसके जो तमाम जो एलिमेंट्स हैं, इसकी जो तमाम एंट्रीज़ हैं, उसके सिंबल्स को हमने चेंज कर देना है जस्ट। तो वो इसका अगर हम ए को इसका नेगेटिव ऑफ ए बना देंगे तो क्या होगा, 1 -1 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 3 जो है वो -3 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, -2 2 हो जाएगा, -3 3 हो जाएगा, -5 5 हो जाएगा, एंड 4 जो है वो -4 हो जाएगा। क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि ये जितने भी जो एंट्रीज इसकी थी वो तमाम इसकी तमाम जो साइंस थे, जो अलामतें हैं, वो इस इन्वर्स के अंदर चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स कहलाता है, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को जो हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स है, इस मैट्रिक्स को अगर बी का नाम दे देंगे तो क्या कहा जाएगा कि ए मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स है, और सेम उसी तरह बी मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपल हमने ये क्या करना होता है कि इसके अंदर हमने सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए। तो साइन चेंज करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है उसको कोई नाम भी दे सकते हैं या फिर वैसे रहने दें, तो क्या होगा कि वो दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। ये जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ओ इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी को फाइंड करने से ये ए हमारे पास मैट्रिक्स था और ये हमारे पास इसको इस मैट्रिक्स को हमने बी का नाम दिया है, अगर इन दोनों को प्लस करने से आंसर जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स आता है तो हमारा जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी करके देखते हैं, जो ए मैट्रिक्स हमने लिया था वो लिखेंगे,
माइनस वन ज़ीरो, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फाइव, फोर। प्लस जो बी मैट्रिक्स हमने बनाया है, ये बी मैट्रिक्स है जिसको हमने बी का नाम दिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये इसमें ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, वन प्लस माइनस वन, ये माइनस वन ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, फिर टू प्लस माइनस टू, इसी तरह थ्री प्लस माइनस थ्री, माइनस वन प्लस वन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, माइनस टू प्लस टू, माइनस थ्री प्लस थ्री, माइनस फाइव प्लस फाइव, फोर प्लस माइनस फोर, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर निकालते हैं क्या आता है। वन प्लस माइनस वन माइनस वन, यानी कि वन में से वन चले गए तो ज़ीरो बच जाएगा, ये भी प्लस माइनस का, आगे भी ज़ीरो, फिर ज़ीरो आ जाएगा आंसर। माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, माइनस टू प्लस टू का आंसर भी ज़ीरो आएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री का आंसर भी ज़ीरो आएगा, माइनस फाइव प्लस फाइव का आंसर भी ज़ीरो आ गया, और फोर माइनस फोर का आंसर भी क्या आता है, ज़ीरो। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो है ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी कि ओ, जो कि डेफिनेशन में बताया हुआ था। सेम इसी तरह हमने बी प्लस ए को करना है, यहाँ पे बी का मैट्रिक्स आ जाएगा और यहाँ पे ए का मैट्रिक्स आ जाएगा, सिर्फ तरतीब इनकी चेंज होगी कि पहले बी का मैट्रिक्स पहले बाद में आया था, अब हमने बी का मैट्रिक्स पहले जो है वो लिखना है, और प्लस सेम उसी तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, पहले माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, फिर माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी ज़ीरो मैट्रिक्स ही होगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ए प्लस बी अगर ए प्लस बी किया जाए या फिर बी प्लस ए किया जाए तो आंसर हमारे पास जो आता है वो हमेशा ज़ीरो मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर हमें जो कहा गया है, बताया गया है कि एक मैट्रिक्स का अगर हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके तमाम साइंस जो एंट्रीज़ के हैं वो हम चेंज कर देंगे तो वो जो मैट्रिक्स न्यू आएगा हमारे पास वो एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि है 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 में भी सेम इन डेफिनेशंस के मुतालिक कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो, आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर परफेक्ट पहुँच सकें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।